अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आऊँ। ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जो नया लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं कि वो किस तरह अपने लैपटॉप और कंप्यूटर का टेस्ट करें कि वो उसमें क्या हार्डवेयर लगा हुआ है, कंडीशन सही है या नहीं, या क्या सूरत हाल है। तो फ्रेंड्स, या आपको जो नया लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो आप किस तरह उसकी प्राइस को फिक्स करें, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर में आपको मैं यही सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जा रहे हैं उसकी प्राइस को फिक्स करें और उसका किस तरह टेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, जब पहले तो आप सिंपली माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मगर फ्रेंड ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कूल है। और फ्रेंड इसमें सारी चीज़ें आपके सामने शो करवा देता है कि क्या आपके जो कंप्यूटर में साउंड सिस्टम लगा हुआ है वो सही है या नहीं है, उसका हार्डवेयर सही है या नहीं, वो कितने परसेंट सही है। तो फ्रेंड ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड ये सब कुछ सीखने के लिए आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इधर ओपन कर लेता हूँ रन मेन्यू। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो XP है या उससे पुरानी है तो आपने इधर क्लिक करना है और इधर आपको शो हो जाएगा, ये इधर एक विंडो मेन्यू ओपन होगा, इधर आपको शो हो जाएगा रन का ऑप्शन। तो नहीं, अगर आपके पास विंडो 8 है या विंडो 10 है तो आपने इधर लिख लेना है RUN, तो ये रन का ऑप्शन शो हो गया। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आपने प्रेस करना, एक शॉर्टकट की है इसकी Windows+R, Windows+R को जब प्रेस करेंगे तो आपने इधर लिखना है DXDIAG और इंटर ज्वाइन करना है, तो आपके सामने आपके कंप्यूटर की सारी सूरत हाल शो हो जाएगी। ये देख लें, ये लोडिंग हो रही है तो ये आपको सारी शो करवा देगा। तो फ्रेंड ये देख लें, ये लोडिंग हो रही है। तो फ्रेंड ये देख लें, ये कह रहा है कि करंट टाइम, ये आज का टाइम तो आ रहा है, उसके बाद कंप्यूटर नेम AHB है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 इंटरप्राइज 32 बिट 6.42 बिल्ड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कितनी इसमें मेमोरी है कितनी नहीं है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर जो ही क्लिक करता हूँ तो ये देख लें, ये आपको सारा कुछ बता रहा है कि सिस्टम नो प्रॉब्लम फाउंड, ये जो बता रहा है डिस्प्ले। उसके बाद ये साउंड पे आ जाते हैं, साउंड पे ये भी कह रहा है कि नो प्रॉब्लम फाउंड। इसके बाद इनपुट पे ये काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड एक मिनट मैं इसे ना सिस्टम आपको बता देता हूँ, मैं ये जो सिस्टम की है ना साउंड की, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड उसके बाद मैं दोबारा इसमें चला जाता हूँ और ये देखता हूँ कि जो मैंने साउंड की केबल थी वो निकाली है अपने स्पीकर की, तो ये बता देता है। तो मैं इंटर करता हूँ जो ही दोबारा, तो ये जो साउंड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसने बता दिया कि आपका जो साउंड कार्ड है वो नहीं लगा हुआ। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं बगैर किसी मूवी को ओपन किए या किसी और चीज़ को। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।